20 मिलियन एक्टिव यूजर्स होने के कारण प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड या पबजी मोबाइल दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम हो चुका है। भारत में भी इसके कई सारे दीवाने हैं और ये गेम खेलने में ही नहीं इवन देखने में भी काफ़ी रोमांचकारी रहता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट दैट चिकन डिनर, या फिर टॉप 10 में तो पक्का प्लेस मिल ही जाएगा। टिप नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मोबाइल बेस्ड गेम है तो आपका मोबाइल फ़ोन ज़रूर अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 4 GB की रैम वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, और अगर आप इसको एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे खेलना चाहते हैं तो एटलीस्ट iPhone 7 Plus से ऊपर के फ़ोन पे खेलें, तभी इसमें मज़ा है क्योंकि विजुअली ये गेम बहुत अपीलिंग है और साथ ही साथ काफ़ी सारी प्रोसेसर परफॉर्मेंस भी ये गेम डिमांड करता है, तो इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने मोबाइल के स्पीकर पे खेलने के बजाय मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप एक हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्लियरली साउंड सुनाई दे जब भी आप पे कोई स्नीक अटैक करना चाहे या फुटस्टेप्स आएँ आपके पास किसी और प्लेयर के जो आपको मारना चाहता हो। मैं यूज़ करता हूँ किंगस्टन के हाइपर एक्स क्लाउड 2 गेमिंग हेडफोन्स क्योंकि इसका जो माइक क्वालिटी है और इसका जो साउंड क्वालिटी है जो ड्राइवर इसके ईयरफोन्स में दिया गया है वो काफ़ी बेहतरीन है और हमेशा मुझे एक क्रिस्टल क्लियर आवाज़ देता है। टिप नंबर 2, मैं जानता हूँ आपका सबका मन करता है कि जब भी वो एरोप्लेन से आप कूदना चाहते हैं तो आप हमेशा एक क्राउडेड ज़्यादा बिल्डिंग से भरे इलाके में कूदना चाहते हैं। पुचिंकी सबका फेवरेट प्लेस है और मिलिट्री बेस भी काफ़ी फेवरेट हो चुका है। अभी नया नया विकेंडी जो मैप आया है उसमें सभी लोग मैं देखता हूँ विला पे कूदते हैं या फिर कासल पे कूदते हैं। बट अगर आप एक बहुत ही फास्ट गेम खेलना चाहते हैं और टॉप 10 में नहीं आना चाहते तब आप इन एरियाज में ज़रूर कूदिए क्योंकि वहाँ पे यूजुअली आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे और आपके मरने के चांसेस इस गेम में ज़्यादा रहेंगे। तो हमेशा चूज़ कीजिए ऐसे इलाके जहाँ पे कम क्राउड उतरता हो, कम प्लेयर्स उतरते हों और वहाँ पे आप आराम से लूट कर फिर एक गाड़ी लेकर उन क्राउडेड एरिया में जाके अपने दुश्मनों को मार सकें। तो ये एक सेफ तरीका है गेम खेलने का क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं इन क्राउडेड एरियाज़ में उतरते हैं जैसे कि पोचिंकी और मिलिट्री बेस मैंने आपको बताया, और वहाँ पे कई सारे प्लेयर्स ख़त्म भी हो जाते हैं तो आपके चांसेस और जो प्रोबेबिलिटी है टॉप 10 में आने की वो भी बढ़ जाती है। टिप नंबर 3, अब अगर आप एक नॉन क्राउडेड एरिया में उतर ही चुके हैं और वहाँ पे आप सप्लाइज लूटने जाते हैं क्योंकि सप्लाइज होनी बहुत ज़रूरी है इस गेम में, तो उतनी ही सप्लाइज रखें जितनी आपको ज़रूरी हो। कोई ज़रूरत नहीं है अपने बैग को ओवरलोड करने में और बाद में पिक एंड चूज़ करने में। ये एक शॉपिंग गेम नहीं है, ये एक नीडफुल सर्वाइवल गेम है, इस वजह से उतने ही सप्लाइज़ रखें अपने पास जितने ज़रूरी हो। मेरे हिसाब से कुछ सप्लाइज़ होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अगर आपको पैन मिल जाए तो इसके साथ मजाक ना करें, पैन से अपने दुश्मनों को मारने ना जाएं क्योंकि वो गोलियां नहीं रोकता। बट जब पैन आपके पीछे हैंग करता है तब अगर आपको कोई दुश्मन पीछे से गोली मारे तो ये पैन आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेल्थ थोड़ी कम लूज़ होती है जब कोई पीछे से फायर करता है क्योंकि बुलेट्स जो हैं ज़्यादातर इस पैन पे लगते हैं। तो एक पैन ढूंढना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और पैन काफ़ी एक कल्ट फिगर भी बन चुका है। गन्स की अगर बात करें तो एक स्नाइपर राइफल ज़रूर रखें अपने पास और साथ ही साथ रखें एक ऑटोमेटिक गन। स्नाइपर के राउंड्स आप हमेशा कम रख सकते हैं, 100 से कम भी राउंड्स रखेंगे तो वो चलेगा क्योंकि हमेशा स्नाइपिंग एक ही बुलेट से होती है। और आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर आपने लूट अगर ली हो ड्रॉप से तो उसमें आपको AWM मिलती है और उसमें भी आपको सिर्फ 20 ही गोलियां मिलती हैं, तो स्नाइपर राइफल की ज़्यादा गोलियां ना रखें। मेरी राय में काक 98 और SKS दोनों ही बहुत पोटेंट गन्स हैं और उसमें 8x तक के स्कोप भी लग जाते हैं और उसकी बुलेट की रेंज भी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर ऑटोमेटिक गन की बात करें तो मेरी फेवरेट है M416 ऑटोमेटिक, और अगर इसके साथ आपको एक सप्रेसर मिल जाए और एक 4x स्कोप मिल जाए तो आपकी वाहवाही हो जाएगी। और 5.56 mm की गोलियां इस गन में लगती हैं और 200 से 250 गोलियां काफ़ी होती हैं इस गेम में चिकन डिनर लेने के लिए। टिप नंबर 4, अगर आप टीम में खेलना पसंद करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने टीम प्लेयर्स के साथ साथ ही खेलें। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा सप्लाइज लूटने के चक्कर में या ज़्यादा लालची होने के चक्कर में आप अपने टीम प्लेयर से थोड़े बिखर जाते हैं और थोड़े दूर चले जाते हैं। मेरी सजेशन में ये रहेगा कि आप हमेशा एक 50 मीटर की मैक्सिमम दूरी रखें अपने टीम प्लेयर के साथ क्योंकि अगर आप हिट होते हैं और आपको रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है तो आपका टीममेट आपके पास पहुंच सकता है, आपको कवर दे सकता है। साथ ही साथ स्मोक ग्रेनेड जिसकी हमने बात की थी वो बहुत यूज़फुल होता है रिकवरी के टाइम क्योंकि जब भी आपको कोई स्नाइप करके नॉकआउट करता है तो अगर आप एक स्मोक ग्रेनेड वहाँ पर फेंकें तो
तो आप अपने टीममेट को आराम से रिवाइव कर सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि बहुत रेयर चांस होगा कि जो दूसरा प्लेयर है वो आपको शूट करके नॉकआउट या किल करेगा इस गेम में। तो टीम प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ टीम इन पबजी मोबाइल। डुओ के लिए भी मेरी यही टिप्स रहेंगी कि डुओ में भी आप और आपका साथी प्लेयर एक साथ गेम ये खेलें और ज़्यादा बिखरे नहीं इधर उधर, और एक स्ट्रैटेजी के साथ गेम खेलना हमेशा बेटर रहता है और गारंटी करता है कि आप टॉप 10 में आएंगे। एंड जो हमारी फाइनल टिप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है पबजी मोबाइल के लिए, और अगर आप उस टॉप 10 के ब्रैकेट में आना चाहते हैं, अपने स्टैट्स बढ़ाना चाहते हैं और मैक्सिमम टाइम चिकन डिनर पाना चाहते हैं, वो ये है कि ये एक शूट टू किल या शूट टू थ्रिल गेम नहीं है, ये एक सर्वाइवल गेम है। लास्ट मैन स्टैंडिंग हमेशा इस गेम में चिकन डिनर जीतता है या फिर टॉप 10 में तो आता ही है अगर आप सेकंड नंबर पे भी किल हो जाएं। तो इस गेम को पेशेंस से खेलें, ये एक सर्वाइवल गेम है। हमेशा किल के लिए तभी जाएं जब आपको गारंटी हो कि ये आपको किल मिलेगा, वरना हमेशा कवर और सेफ्टी के साथ अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो आप गारंटी टॉप 10 में आएंगे। कई लोग इसको कैंपिंग भी बोलते हैं और बोलते हैं कि अरे ये प्लेयर जो है ये नूब प्लेयर है, ये जीतना नहीं चाहता या ये अटैक करके गेम नहीं खेलना चाहता, बट समझदारी हमेशा पेशेंस में ही होती है इस गेम में, और वही एक तरीका है और एक ट्रिक है आपको चिकन डिनर मिलने का। पेशेंस इज़ द की इन पबजी मोबाइल, और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब भी मिलेगी जब आप सिर्फ वो एक लौता किल करेंगे और चिकन डिनर पाएंगे, ना कि आप 5 या 10 या 15 किल करें और चिकन डिनर ना पाएं, क्योंकि ये सर्वाइवल गेम है। आपका किल टू डेथ रेशियो तो इम्प्रूव हो जाएगा ज़्यादा किल करने से, बट चिकन डिनर के विनिंग रेशियो में आप पीछे रह जाएंगे अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे इस गेम में। तो कैसी लगी हमारी टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स टू विन अ चिकन डिनर और कम इन टॉप 10 एवरी टाइम ऑन जागरण टेक? आप हमें बताएं इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर भी करो, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो।